अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी नईम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की जेर निगरानी SHO थाना सदर मुजफ्फरगढ़ इफ्तखार मलकानी ने अपनी टीम ASI बिलाल भुट्टा, कांस्टेबल जहांगीर और कांस्टेबल जवाद के हमरा चोरी में मतलूब 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार होने वाले 3 मुलजमान के कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिल समेत 2 लाख रुपये नकद रकम बरामद करके तमाम सामान और रकम मुख्तलिफ मकाम की मदायत के हवाले कर दिया। इस मौके पर इफ्तखार मलकानी का कहना था कि कार्रवाई के दौरान 3 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातों में मतलूब थे और मुलजमान के कब्जे से 2 लाख रुपए समेत 5 मोटरसाइकिल बरामद करके मदयान मुकदमात के हवाले कर दिए। मजीद SHO का कहना था कि DPO सैयद हुसनैन हैदर की हिदायत पर जिला भर में मुजफ्फरगढ़ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और पुलिस आइंदा भी बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेगी और DPO की तरफ से पुलिस अफसरान के लिए तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया।